आज हम बनाएंगे वेज मोमोज। वेज मोमोज बनाने के लिए मैंने ली है शिमला मिर्च, लाल और हरी दोनों तरह की, पत्ता गोभी ली है, गाजर लिया है और लहसुन अदरक लिया है, प्याज लिया है, और इन सबको हम फूड प्रोसेसर में बहुत फाइन बारीक कर लेंगे और वो अलग अलग करेंगे, इकट्ठे नहीं करना है सारी वेजिटेबल्स को। उसके बाद हम मैदे का डो बनाएंगे और आगे के प्रोसेस आपको बाद में दिखाएंगे। ये देखिए वेज मोमोज बनाने के लिए सारी वेजिटेबल्स को हमने बहुत अच्छे से फूड प्रोसेसर में काट लिया है और अब हम इसको बना पत्ता गोभी को और गाजर, शिमला मिर्च दोनों रंग की ली है, लाल और हरे रंग की, प्याज और बहुत सारा लहसुन लिया है और इसको हमने फूड प्रोसेसर में बहुत अच्छे से फाइन ग्राइंड कर लिया है। तो आइए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। देखिए इस कढ़ाई में मैंने वेज मोमोज बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है। इसको अच्छे से गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे और लहसुन को अच्छे से ब्राउन करेंगे क्योंकि उसमें लहसुन का टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये देखिए लहसुन बहुत अच्छे से इसको हमको ब्राउन करना, जलाना बिल्कुल नहीं है। और वेज मोमोज बनाना बहुत आसान है, घर में बनाइए, बहुत टेस्टी बनते हैं। बस इसमें प्रिपरेशन होती है, आप इसकी प्रिपरेशन पहले पूरी कर लीजिए, सारी सब्जियां चॉप करना या काटना या ग्राइंड में करके ग्राइंडर में डाल लीजिए आप, और सारे मसाले जो भी उसमें डलते हैं वो सब एक तरफ आप तैयारी कर लीजिए, बाकी मिक्स करके पकाना है और मोमोज बनाने हैं जो कि बहुत ईजी है। और मोमोज भी बहुत हेल्दी होते हैं अगर आप उसमें प्रॉपर वेजिटेबल और सारी चीज़ें इस्तेमाल करें तो। ये देखिए लहसुन कितनी अच्छी तरह से हल्का ब्राउन हो गया है। बस इतने में ही अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अब हम इसमें बाकी बची हुई जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सारी ऐड कर देंगे। पहले शिमला मिर्च डाल देंगे, देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। इसमें डाले अच्छी क्वांटिटी में डालिए सारी सब्जी। अब हम इसमें पत्ता गोभी ऐड कर देंगे। देखिए सारी वेजिटेबल्स हमने इसमें डाल दी है, इसको धीरे धीरे पकाएंगे, इसको भी ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि जब मोमोज बनेंगे तो वो हम स्टीम में पकाएंगे और उसमें थोड़ा सा अगर अधकच्चा रखना है तो वो अपने आप पक जाती है। इसको हमको इतना पकाना है कि इसमें जो पानी है थोड़ा सा पानी बाहर आता है वो पानी सूख जाए। ये देखिए इसका पानी धीरे धीरे सूखने लगा है तो हम ये वाले मसाले इसमें ऐड करेंगे जिसमें एक चम्मच भर के हमने पेपर लिया है, थोड़ी सी हल्दी ली है, थोड़ा सा काला नमक और एक चम्मच नमक लिया है। ये तीनों चारों चीजें हम इसमें अब ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अंदाज से स्वीट चिली सॉस डालेंगे, जितना आपको पसंद हो उतना ही डालिए, मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक चम्मच डालना चाहिए, और डार्क सोया सॉस वो भी हम एक चम्मच डालेंगे बस। और इसमें हम एक चम्मच कोई भी टोमेटो सॉस आप डाल दीजिए और अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर दीजिए। ये एक मेरा मसाला है जिसे मैं इसका स्वाद बढ़ाने के लिए अलग से थोड़ा सा डालूंगी, सिंपल 1/4 स्पून, ज्यादा नहीं। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है मोमोज के लिए। इस स्टेज पे हम इसमें लेमन डालेंगे, लेमन या तो वेनेगर, हमारे पास अभी वेनेगर खत्म था तो हम लेमन शुगर भी इसमें ऐड करिए जो कि इसके टेस्ट को बैलेंस करता है। ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी, कम से कम 10-12 दाने बस। ये देखिए एकदम तैयार हो गया। अब हम इसे ठंडा करेंगे और मोमोज की तैयारी। ये देखिए हमने वेज मोमोज बनाने के लिए उसकी जो चटनी बनाएंगे टमाटर की, उसमें हमने लहसुन,
लाल मिर्च, अदरक और चार टमाटर ले लिया है, इनको अच्छे से उबाल लिया है। अब हम इसको ग्राइंड करके और बाकी मसाले ऐड करके इसकी लाल चटनी बनाएंगे। मोमोज बनाने के लिए ये मैंने मैदे का और सिंपल गेहूं के आटे को गूंदा है। मैदे के हम अलग बनाएंगे और गेहूं के आटे के हम अलग बनाएंगे। ये देखिए इस तरह मैंने बना लिया है। इससे हम छोटे छोटे गोले निकाल के और बेलेंगे और फिर उसमें हम फिलिंग डालेंगे। सेम मैंने ऐसा आटे का भी ले लिया है, इससे भी हम छोटी छोटी पूड़ी जैसी बेलेंगे और फिर उनको हम शेप देंगे। ऐसा ही आप रागी के साथ भी कर सकते हैं अगर आप रागी पसंद करते हैं खाना। आइए अब हम बनाते हैं। ये देखिए हमने कुछ मोमोज बना लिए हैं। ये आटे के हैं इस तरफ जो बने हैं, एक तो बिल्कुल मोदक जैसे हम बनाते हैं वैसे भरे हैं और दूसरे तो हल्के से गुजिया शेप में। अभी ये जो हम बना रहे हैं ये मैदे वाले हैं, तो इसमें मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह बंद होते हैं। जरूरत से ज्यादा भी फिलिंग मत करिए, इस तरह बना लीजिए और इसको दोनों तरफ से इसको ऐसा पकड़िए इस तरह से। ये देखिए, और फिर चुन्नट लेते जाइए जिस तरह हम चुन्नट लेते हैं और इसको टक करते जाइए। देखिए इस तरह एक चुन्नट ली और दोनों तरफ से इसको दबा दिया, चुन्नट ली दोनों तरफ से इसको दबा दिया। ऐसे करते हुए आप इसको बनाइए और जब ये सारे बन जाएंगे तब हम इसको भाप में पकाएंगे। सिंपल चुन्नट लीजिए इस तरह से और इसको ऐसे दबा दीजिए हल्के हाथ से। बहुत इजी है इसको बनाना, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। चटनी भी तैयार हो गई है, ये देखिए। अभी हम इसको जब भाप देंगे तब आपको दिखाएंगे। आटे के, मैदे के, रागी के आप कैसे भी बना सकते हैं। ये देखिए मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। इसी तरह आप ये आटे के बनाए हमने जो मोदक स्टाइल में भरे हैं, और पतला बेलिए, बहुत पतले होने चाहिए, बिल्कुल पापड़ जैसे हम बनाते हैं उतना पतला होना चाहिए। और बढ़िया इसको स्टीम करेंगे और फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे। बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, हमने कई बार बनाए हैं। ये देखिए मैंने इस ब्रश को ऑयल में डुबो लिया है और अब इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ। इसमें हम मोमोज प्लेस करेंगे और फिर हम इस बर्तन में हम इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे। मैंने आटे और मैदे दोनों के मोमोज बनाए हैं, वो अब हम इसमें प्लेस करेंगे। देखिए मैंने पहले बना के सारे तैयार कर लिए हैं इस तरह। अब देखिए हमने डिफरेंट शेप और साइज के मोमोज बना लिए हैं, जिसमें कुछ मैदे के हैं, कुछ आटे के हैं, कुछ मोदक शेप बने हैं, कुछ पोटली शेप बने हैं, कुछ बहुत छोटे बनाए हैं। और अब हम इनको इसको स्टीम में रख देंगे और फिर बाद में सर्व करेंगे। चटनी हमने बना के तैयार कर ली है, ये पॉपकॉर्न मोमोज भी बनाए हैं इसमें, तो आइए इनको स्टीम करते हैं। ये देखिए मोमो सॉस की चटनी तैयार है और ये इस कंसिस्टेंसी की बननी चाहिए जिससे आप इसमें मोमोज डिप करके ईजिली खा सकें। और इसमें मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि हमने टमाटर के साथ लहसुन अदरक ये सब डाल के उबाला था, और फिर इसको पीसने के बाद इसमें हमने थोड़ी सी शक्कर और ब्लैक पेपर और एक नींबू डाला है, जो थोड़ा सा खटमिट्ठा टेस्ट इसमें देगा। और मिर्ची तो इसमें डलती ही, तभी ये ज़्यादा स्वाद लगते हैं मोमोज, क्योंकि मोमोज इतने उसमें मसाले होते नहीं है, जरूर सब्जी की फिलिंग है उसमें। बहुत ही स्वाद बनेगा, आप इसे ज़रूर बना के खाइए। घर पे बने हुए मोमोज ज़्यादा ही स्वादिष्ट होते हैं और बच्चे तो इसे पसंद करेंगे, घर के बड़ों को भी खिलाएंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ये देखिए मोमोज अच्छे कुक हो रहे हैं, बिल्कुल भाप बन गई है इसमें, बहुत ही बढ़िया स्टीम आ रही है। और इसको अभी हम 5 मिनट और पकाएंगे बस, वो मोमोज रेडी हो जाएंगे। ये इस तरह आपको थोड़े से ट्रांसलूसेंट दिखने चाहिए तब ये पकते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इनको अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए मोमोज बनके बिल्कुल तैयार हैं, अब हम इनको सर्व करेंगे। ये देखिए मस्त गर्मा गर्म मोमोज तैयार हैं। ये मैदे वाले हैं, आटे वाला भी है, ये मैंने जो पोटली शेप छोटे मोमोज बनाए थे, बहुत ही लाइट लग रहे हैं देखने में ही, खाने में तो हो ही रहे हैं वो। अब हम इसमें चटनी डाल के इसको सर्व करते हैं। देखिए
हमने चटनी बनाई थी वो डालेंगे। देखिए स्वादिष्ट मोमोज तैयार हैं और आप इन्हें जरूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही लाइट हैं। आटे के भी बनाइए, मैदे के भी बनाइए और रागी का भी सेम इसी तरह से बनता है। अगर आप रागी पसंद करते हैं, खाते हैं, तो उसके भी जरूर बनाइए। थैंक यू सो मच।